990। तो सभी दर्शकों से उम्मीद करता हूँ कि सभी दर्शक जो हमारे व्यूवर्स हैं वो सेहतियाब होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है हमेशा ही एक बात हर एक के वो दिल में रहती है कि एक ही ऐसा विभाग है जिसे सबसे ज़्यादा, मैं एक देसी भाषा में जो बात करूंगा, कि कोसते हैं या तो गालियां देते हैं, वो है PDD विभाग, कि बिजली नहीं आई, बिजली नहीं आई। चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा या बुज़ुर्ग हो, तो हमारे साथ वही PDD के वर्कर्स जो है मुलाज़मीन हमारे साथ मौजूद हैं इस समय यहाँ पे। तो इनकी जो मतलब कि आज तो मैं इनको देख के दिल कर रहा है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स यही, और सल्यूट इनको जो इन्होंने अभी तक गांधरी में जो लाइट है, पिछला वीडियो आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया कैसे बिजली के पोल नीचे गिरे हुए थे, सब तहस नहस हो चुका था, वहाँ जाने से दूर दूर तक घबरा रहे थे लोग। तो अब मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे बिजली डिपार्टमेंट से वाबस्ता कुछ मुलाजमीन जो बिजली विभाग के हैं। तो आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद है। जी, मोहम्मद सज्जाद है। तो मोहम्मद सज्जाद जी, ये जो एक इम्पॉसिबल काम था, जो पस्सी जो लैंडस्लाइड, हमारे दर्शक भी जानते हैं, हमने इनको जो दिखाया पोल जो टूटे हुए थे, और अभी भी बड़े बड़े दरख्त बोल्डर आ रहे हैं, तो आपने ये अभी तक इस वक्त तक जो लाइट है गांधरी में मौजूद है, ये कैसे इम्पॉसिबल काम पॉसिबल कैसे? इसमें देखिए जी, हमने बहुत स्ट्रगल किया। कल सुबह 10 बजे से कंटिन्यू 7 बजे तक हम स्ट्रगल करते रहे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी जान के खतरबाजी पे, खतरे में ला के। और हमारे जो PDD डिपार्टमेंट है, पूरे डिपार्टमेंट ने हमारा साथ दिया, और साथ देने के बाद कुछ 7 बजे हमने इस लाइन को जो है चार्ज किया, और बहुत और स्ट्रगल अंधेरे में और अंधेरे में बहुत स्ट्रगल करके हमने ये को चलाने की कोशिश की, और हमारा पूरा डिपार्टमेंट इसके साथ उनने बहुत तावन दी। तो हमारे जो PDD के हमारे मीटर रीडर हमारे साथ थे, और हमारे लाइनमैन जितने भी थे, हमारे JEE साहिबान थे, उनने भी हमारे साथ बहुत कोशिश की और मेहनत की 7 बजे तक। उसके बाद 7:30 सवा 7 हमें ये जो रिस्टोर की लाइन, और बड़ी मुश्किलात के सामना करने के बाद जहाँ पे लोग पैदल नहीं चल सकते, वहाँ पे इन्होंने लाइन रिस्टोर की, वो भी रात के अंधेरे में, पस्सी और यानी कि मौत के मुंह में जाके इन्होंने जो गांधरी एरिया को लाइट प्रोवाइड किया, इनके तो हम बहुत धन्यवाद, मतलब बहुत शुक्रगुजार हैं कि कुछ कह नहीं सकते, इतना तहे दिल से शुक्र। आज लाइट के बिना कुछ काम नहीं होता है। तो सजाद साहब, आप मुझे बताइए कि कोई दिक्कत जो हुआ वहाँ पे आपको, कल रात को आप लगे हुए थे वहाँ पे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो जाहिर सी बात है आई होगी, काफ़ी बोल रहे, आपको डर नहीं लगा कि जो ऊपर से लैंडस्लाइड पत्थर या कोई दरख्त गिर जाए? उसमें तो एक्चुअली में हम खतरा तो बहुत था, लेकिन खतरे की वजह से हमने वाम के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, लेकिन उनके चलाने के लिए हमारे PDD डिपार्टमेंट ने पूरी तावन दी। हमारे JEE साहब ने, हमारे मीटर रीडर जो हमारे साथ हैं, हमारे जो साथी, मेरे साथी लाइन मैन हैं, उन्होंने, हमने बहुत सारे स्ट्रगल किया, और वो जो हमें, हमारे जो दोनों फीटर डैमेज हो चुके हैं, जो टंगर फीटर से आती वो भी डैमेज हो चुका था, और जो गांधरी फीटर है, ये तो देखते हैं आप लोग, सब लोगों ने देखा है कि कल कितने 300-400 मीटर लाइन हमारी डैमेज हो चुकी है, और वहाँ पे पोल भी नाबोद हो चुके हैं, और जो उसमें मटेरियल लगा हुआ था वो बिल्कुल खस्ता हाल जो हो चुका है, उसमें कोई तो बचा कुछ नहीं है। तो हमने जो ये संगलदान फीटर थे, हमने ये कल जो है गांधरी को ये लाइन जो है कोशिश एक कोशिश की, और ये साथ कामयाबी की, और 7:30 बजे इसको हमने रिस्टोर कर दिया। तो धन्यवाद शाह साहब, ये बहुत बड़ी कामयाबी है बिजली विभाग की, जो PDD डिपार्टमेंट के जो सब ने, JEE साहब हो चाहे वो मीटर रीडर हो, कल से मैं इनको देख रहा हूँ, कभी ये पस्सी में जा रहे आ रहे, अपनी जान जोखिम में डाल रहे, आखिर ये भी इंसान है। तो हम आम व्यूवर्स को मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप भी इनका सहयोग करें, इनकी हेल्प करें, जिस प्रकार से भी हो सके आप इनकी हेल्प करें, क्योंकि आज जो बिजली यहाँ पर मौजूद है वो इन्हीं की बदौलत पे यहाँ पे है। ये अगर स्ट्रगल नहीं करते तो शायद ये गांधरी इस समय भी और कल रात से ही अंधेरे में डूबा होता। सर, तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए हमें काफ़ी ज़्यादा कि इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के
हमें यहाँ पे लाइट प्रोवाइड की। तो अगर ये वीडियो और इनकी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी इंफॉर्मेशनें हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।